सुभान अल्लाह जी साहब, इस बार तो आपका चेहरा नूर से निखर उठा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाईजान, ये सब मेरे अल्लाह की खास नवाजिश है जो बंदा है ना चीज को बार बार अपने घर बनाता है। चलें बाकी बातें गाड़ी में करते हैं। चल, चल। बाबा खाना लाया हूँ, आप काम करके थक गए होंगे, खाना खा लें। हाँ बेटा। पानी ऊपर से बंदे मचेरी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, शाम को डीजल ले आना बेटा। सुनो बेटा, बकरियों के लिए घास काट के जाना। जी बाबा।
अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब बहुत गरीब आदमी हैं, बच्चों के रहने को छत नहीं है, अगर कुछ रुपए मदद हो जाती तो बहुत सवाब मिलेगा आपको। माफ़ करो भाई, मेरे पास जितने पैसे वो अल्लाह के घर पर ही खर्च होंगे और इससे बड़ा कोई भी सवाब नहीं। मगर मौलवी साहब, मेरे अल्लाह के पास तो बहुत सारे घर हैं, वो कहीं भी रह लेगा, मगर मैं और मेरे मासूम बच्चे इतनी तेज सर्दी और बारिश में भला कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी मदद करते हैं। जहन्नम में जाओ मगर मेरी जान। जुदा पयो गोली पण खां थी जुदा पयो गोली पण खां थी जुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली पान खां थी जुदा पयो गोली पान खां थी जुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली पान खां थी जुदा पयो गोली गिरजा मंदिर न काबे जे अंदर गिरजा मंदिर न काबे जे अंदर लमका लय मका पयो गोली लमका लय मका पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली पान खां थी जुदा पयो गोली। मगर मैं और मेरे मासूम बच्चे इतनी तेज सर्दी और बारिश में भला कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी मदद करते हैं। जहन्नम में जाओ मगर मेरी जान। पुजारी जी थोड़ा दूध चाहिए, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, ये भगवान का प्रसाद है, मैं नहीं दे सकता। जी छाती न पाती आहे तो जी छाती न पाती आहे तो जी छाती न पाती आहे तो ख्वाम खासरा पयो गोली ख्वाम खासरा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली पान खां थी जुदा पयो गोली।
मामू पुटिया में मार दे चेक चोर दाव मूवी जो पैरों सुबह से मुजेरी का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं मुजेरी क्यों नहीं आया। जल्दी करो, मुझे रोटी दो, खाकर हवेली पे जाना है, मुझे रिया न जाए। आज गन्ने और प्याज के फसल का हिसाब किताब होना है। और हाँ, तुम भी साथ चलना, मुझे इसे कहकर तुम्हें भी किसी काम धंधे से लगवा लूँ। सारा दिन किताबों की धूल झाड़ने में लगे रहते हो। मुझे किसी की गुलामी में काम नहीं करना। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरी कॉलेज में भर्ती करवाएं। मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। कमबख्त ने चार किताबें क्या पढ़ ली? बाप की नाफरमानी पे उतर आया है। रानी दी, मुझे गांव जमीन पर जाना है। आरी इंतजार कर रहे होंगे और उनका हिसाब किताब करना है। नहीं बाबा, मुझे नए कपड़े चाहिए, कल मेरे स्कूल में फंक्शन है। बाबा लेकर देना कपड़े, ये सारे इसने पहने हुए हैं। वैसे ही आपको कामों से फुर्सत कब होती है? काम 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 हर टाइम काम। चले ना बाबा, प्लीज 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 प्लीज। अरे चलते हैं बाबा, चलते हैं चलते हैं। शाबेक, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया है, तुम हिसाब किताब फाइनल कर दो। जब भी मैं आऊं तो तुम किसानों को सुना देना। अब खुश? ज़्यादा लंबी बात मत करना, मुझे किसी और काम से जाना है, बस सबके हिसाब का टोटल बताते जाना है। जी साईं जी, हुकुम बाबा। गन्ने की फसल से विजय की बचत हुई है 70,000 रुपये। प्याज की फसल से उस पर बकाया निकलते हैं 32,000। नकद रकम और आटे के हुए 56,000 और यूं उसकी तरफ 31,000 कर्जा रह गया। नारू के साथ जबान थी कि प्याज की फसल उसके नसब पर और गन्ना उसकी मजदूरी पर होगा।
और इसलिए इसका खर्चा बंद था। उस पर बीज, खाद और हल्के हुए 36,000। प्याज के 2 एकड़ खेत से 24 मन हुए हैं, जो दोनों इस जमींदार के खाते में आए हैं। बहारू के गन्ने ने 7,60,000 बनाए हैं। अगला पिछला हिसाब करने के बाद उसकी बचत हुई है 11,000 रुपये। और भागचंद की बचत हुई है 26,000, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं, और उसने पूरे राजपाट की मवेशी अधे पे ले रखे हैं और रोजाना फसल में मवेशी छोड़ देता है, और ताकि सामने वाला खेत उसके मवेशी चर गए। मैंने कमदार के मशवरे पर उस पर 30,000 जुर्माना रखा है। साईं, मजदूरी पर किए गए फसल की बचत हुई 66,000 रुपये, और यूं जमींदार हिस्से की कुल बचत 1,22,37,000 हुई है। कमदार शाहबेग, अल्लाह के बड़े करम हुए हैं। कुछ तुम्हारी लाठी का असर, कुछ किसानों की मेहनत, बाकी मुंशी के ईमानदार कलम के सबब इस साल फसलों ने अच्छी रकम बनाई है। इस खुशी में कल 5 देगे खैरात करवाना और गांव वालों को खिलाना। और हाँ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं ना आ सका तो छोटे भाई को भेजूँगा। वो तीसरी बार उमरा करके लौटा है और वो अपने मुबारक हाथों से खैरात तकसीम करेगा। यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता क्या? ये सब बेदनों के बच्चे बर्तन लिए हुए कवों और गधों की तरह झप्पे मार रहे हैं। नहीं छोटे नवाब, अपने सारे हारी भील हैं, और बाबा साईं के ज़माने में मुसलमान हारी हुआ करते थे। खेती बाड़ी तो करते नहीं थे, कुछ होते थे मेलों ठेलों के चक्कर में, तो कुछ मुर्गे लड़ाने और बैल दौड़ाने के चक्कर में लगे रहते थे, और नौजवान फन्ने खान बनने के शौक में पूरा दिन होटलों में चोरों चक्कों के साथ मूछों को बल देते रहते। बड़े नवाब ने उनके ऐसे लक्षण देकर उन्हें 1 साल में ही कहीं और उठ जाने पर मजबूर कर दिया। अब इन गरीब आहरियों की औरतों और मर्दों की मेहनत का नतीजा है कि इस साल सिर्फ गन्ने की फसल से ही 1.25 करोड़ की बचत हुई है। अरे ओ मुनकर, ये किसी के बाप की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये सब अल्लाह की रहमत है, हमारा कामिल ईमान है, रोजा नमाज की बरकत है। बाबा साईं खैरात आयो देगी बची हुए। हाँ बाबा, देगू ला रहे हो। शाबेक, तुम अपने मुंशी, ड्राइवर और घर वालों के लिए कुछ चावल निकाल कर रखो। मैं शहर के मदरसे के हाफिज साहब को फ़ोन करता हूँ कि वो गाड़ी भेज दे, तमाम देगे मस्जिद जाएंगी।
गालिब खाएंगे तो कबूल होगी। इन बेदनों को खिलाकर खैरात हराम नहीं करनी। नवाब सही, हमारे खाने से क्या खैरात हराम हो जाएगी? हाँ, हमारे मजहब में दीगर मजहब वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर नवाब सही, हमारे पसीने की कमाई से हुई बचत के सवा करोड़ आपके मजहब में किस तरह हलाल? के तुमको ये तल्ख जबानी बहुत महंगी पड़ सकती है, फौरन माफी मांगो। साईं आप बड़े लोग हैं, आपके खिलाफ जाने का हम जैसे छोटे लोग सोच भी नहीं सकते। आप आका हैं और हम नस्ल दर नस्ल आपके गुलाम। नवाब साहब चुप हो जा कमबख्त। नवाब साईं यह अभी नादान है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब अगर एक लफ्ज निकाला ना सही के खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नारू, तुम्हारे बेटे ने भरी ओताक में मेरी तोहिन की है, माफी भी वो खुद ही मांगेगा। तोहिन तो आप जैसे लोग करते आ रहे मजहब और इंसानियत की, वरना इस्लाम तो आलम इंसानियत का मजहब है, ना के किसी महदूद तबके की जागीर। इस्लाम क्या है अब ये मुझे एक कमतर काफर से सीखना पड़ेगा? لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين। सूरह मुमतहना आयत नंबर 9 से 8 में आपके अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता जिन्होंने ना तुम्हारे दीन के खिलाफ तुमसे जंग की और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। ए मुसलमानों, तुम ऐसे गैर मुसलमानों से नेक सलूक किया करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को बेहद पसंद फरमाता है। अल्लाह तो तुम्हें सिर्फ उन लोगों से मना फरमाता है जिन्होंने तुम्हारे दीन की मुखालफत की, तुम्हें अपने घरों से बेदखल किया, तुम पर जुल्म किए और तुम्हारे खिलाफ वो वापस में मुतहद हो गए। बेशक जो उन जालिमों से दोस्ती कर ले वही आपका दुश्मन और हकीकी जालिम है। अल्लाह आपकी खैरात कबूल फरमाए। तुम्हारी तकरीर से मेरी बेइंतहा नेकियों में कोई कमी नहीं आएगी। तुम बेदिनों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम की आग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजी हूँ और मेरी खैरात अल्लाह पाक जरूर कबूल करेगा, समझे? कबूल, अच्छा। किसी बेघर का घर बनवाने के बजाय अल्लाह का घर बनवाना, क्या ये अल्लाह के यहाँ कबूल होगा? किसी माजूर या ज़ईफ की मदद करने के बजाय उसकी तजलील करना, क्या ये अल्लाह के हाँ कबूल होगा?
किसी गैर मुस्लिम नाबालिग बच्ची का जबरदस्ती मजहब तब्दील कर उससे निकाह करके क्या ये भी अल्लाह कबूल करेगा? किसी भूखे बच्चे को दूध देने के बजाय भगवान को प्रसाद चढ़ाना क्या ये अल्लाह या भगवान को कबूल होगा? किसी भूखे को चार दिन के राशन की थैली थमाकर उसके साथ सैकड़ों सेल्फियां निकालते वक्त उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करना यह भी अल्लाह का पसंदीदा अमल होगा? अल्लाह के नजदीक मुकद्दस मदारिस में बच्चों के जना और उनके कत्ल के बाद क्या वो इबादत भी कबूल होगी? नहीं, कभी नहीं। ऐसी सोच आप जैसे मजहब के ठेकेदार की हो सकती है, लेकिन इस कायनात को बनाने वाले अल्लाह या भगवान की सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। जैसे बड़े तजब की बात है, एक दो टके की हारी ने तुम्हारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता, उसे ऐसा सबक सिखाता, उसकी सात नस्लें याद करती। दिल झुका हेठ बाई गाल ठहर दिल झुका हेठ बाई गाल ठहर दिल झुका हेठ बाई गाल ठहर सिर झुकाए तू छा पयो गोली सिर झुकाए तू छा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली पान खां थी जुदा पयो गोली पान खां थी जुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली उचरिया किथ खुदा पयो गोली मासूम बच्चे इतनी तेज सर्दी और बारिश में भला कहाँ जाएंगे? अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा उस दिन तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं बाबा, वो तो मेरा फर्ज था। बाबा ये कब्र किसकी है? इंसानियत की। इंसानियत की? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मेरे
मासूम बेटी का नाम इंसानियत था। सर्दी के जालमाना मिजाज ने उसे जीने का हक छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। वही मुसलमान नहीं रहता क्या? पुजारी जी थोड़ा दूध चाहिए, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, ये भगवान का प्रसाद है, मैं नहीं दे सकता। हाँ, हमारे मजहब में दीगर मजहब वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इन बेदनों को खिलाकर खैरात हराम नहीं करना। बाबा, ये कब्र किसकी है? इंसानियत की। इंसानियत की। भाई, क्या किया इसने? क्यों मार रहे हो इसको? ये गुस्ताख है, इसने हमारे मजहब की तोहिन की है। अच्छा, ये गुस्ताख है? जी हाँ।